हेलो फ्रेंड्स, आई एम जगदीश झा। आज हम एक स्टॉक एनालिसिस करेंगे जिस स्टॉक का नाम है बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिंसर। मैं इस पे काफ़ी समय से जो है अपनी एनालिसिस आपके साथ शेयर करते आ रहा हूँ, और आज जो है मैं फिर से इस पे एक अपडेट लेके आ रहा हूँ, क्योंकि जब भी स्टॉक अपना एक माइल स्टोन क्रॉस करता है, मैं सोचता हूँ कि मैं अपने व्यूअर्स और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको मेरी एनालिसिस मिले जो उनको डे टू डे ट्रेड में और इन्वेस्ट में हेल्प करे। तो आप देखो कि ये वीडियो मैंने एक कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था। ये वीडियो जो है ऑलमोस्ट 19 जून को दिख रहा है, ये वीडियो मैंने बनाया था। तो इस वीडियो में हमने जो लेवल्स दिए थे वो लेवल्स ऑलमोस्ट रीच कर गए। ये सब लेवल आपको दिख जाएगा यहाँ पे। इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्टॉक जो है 19 जून की हमारी एनालिसिस थी, जिसमें हमने 3150 का टारगेट दिया था। तो 3150 जो है आज की डेट में बजाज फाइनेंस को आप चेक करेंगे तो कल की रैली आई बजाज फाइनेंस में, तो कल बजाज फाइनेंस ने जो है ऑलमोस्ट 3135-34 का हाई लगाया है। यहाँ पे आप लेवल चेक कर सकते हैं, मैं कर्सर लेके जाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए 3134 का लेवल उसने रखी है, ऑलमोस्ट 3150 के आसपास आ गया है। अभी इसके फर्दर क्या रैली है को देखेंगे, हम एनालाइज करेंगे। तो आप इसमें जो रैली कल आई है, कल एक बड़ी रैली आई है, और यदि आप हमारे साथ जुड़े हो, ये हमारा जो वेबसाइट है यहाँ पे सारे कम्युनिकेशन चैनल हैं, यहाँ पे यहीं पे एक टेलीग्राम है, आप इस पर क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, जिसमें हम डे टू डे मार्केट में अपनी एनालिसिस शेयर करते रहते हैं। यहाँ भी आप स्क्रॉल करोगे तो सारे आप, जैसे मैंने रिलायंस में बताया है, टीसीएस में बताया है, बजाज फाइनेंस में, बजाज फाइनेंस में जो है हमने दिन में ही जो है ट्वीट कर दिया था कि ये जो है ट्रेंड कंटिन्यूशन में है, 3054% अप है, और वो वहां से 3031-34 के आसपास गया। हमने 3125 का टारगेट दिया था, हिट हुआ। तो आप यदि जुड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जगदीश झा के नाम से है, विदाउट स्पेस आप सर्च कर जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको लिंक भी दिया हुआ है। आप यही चाहते हो कि आप ट्विटर पे देखना चाहते हो तो ट्विटर पे भी, तो ट्विटर की क्या खासियत है कि जैसे बजाज फाइनेंस को मैंने लेटेस्ट में देखा कि हमने लेटेस्ट मैंने क्या ट्वीट किया, 18 घंटे पहले मैंने बजाज फाइनेंस को बताया था आप। और इसमें क्या है, मैं पुराने ट्वीट के साथ लिंक कर देता हूँ। जैसे आप देखो कि 2939 पे पहले मैंने बताया था कि 2939 पे था, मैंने ये टारगेट दिया था। आप इसी पे क्लिक करोगे तो आपको पुराने लेवल्स भी दिखेंगे कि पुराने मैंने कब दिया था। मैंने स्टॉक 2949 2939 था, और स्टॉक में 2482 से बताते आ रहा हूँ। आप देखो यहाँ पे मैंने 2805, जैसे जैसे आप क्लिक करते जाएंगे आपको पुराने ट्विट्स दिखते रहेंगे। ये आपको मार्केट में एक जगह, मैं ऐसा डायरेक्टली आपको बाय सेल कर रिकमेंड दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एनालाइज कर बता रहा हूँ कि स्टॉक कैसे मूव करता है, चाहे आप इसको लर्निंग पर्पज के लिए लो या आपके पास ऑनगोइंग ट्रेड है तो आपको हेल्प करेगा। और अपनी भी एनालिसिस आप अपना लगाओ कि आपने कब इंटर किया है, आप अपना प्रॉफिट लॉस आपके आपकी एंट्री पॉइंट से आपको देखना है कि हमारा प्रॉफिट जो है प्रोटेक्टेड हो, लॉस जो है कम हो। तो इस तरह से मैं बताना चाह रहा था कि आप इस तरह से जुड़ के जो है हमारी जो डिटेल एनालिसिस है आप देख सकते हैं, तो मैं वीडियो के थ्रू ऑडियो के थ्रू आपको बताते रहता हूँ। तो कल बजाज फाइनेंस जो है एक बड़ी रैली आई थी बजाज फाइनेंस में, और स्टॉक 6% के आसपास चला था। तो ये क्यों रैली आई, तो इसमें एक जो है 6 जुलाई को देखो, 6 जुलाई को उन्होंने एक जो है बजाज फाइनेंस ने एक NSE/BSE को अपने एक प्रोविजनल रिपोर्ट सबमिट की है। इस स्टॉक की जो है ये रिजल्ट आने वाला है 21 जुलाई 2020 में, जो है इसकी रिजल्ट आने वाली है, अर्निंग का डिक्लेयर होने वाला है। उससे पहले जो प्रोविजनल डेटा है इन्होंने सबमिट किया है। तो इसमें जो है इसके अंदर जो भी पॉजिटिविटी है, क्योंकि अभी जो सिचुएशन जो है इकोनॉमी, अभी जो है लॉकडाउन पार्शली जो है बिजनेसेस अब जो है रिज्यूम कर रही है, तो धीरे धीरे उसमें पॉजिटिव डेवलपमेंट दिखेगा। तो मार्केट जब गिरता है, जब मार्केट को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं आती है। आप देखो जब मार्केट अनसर्टेन था तो इसमें एक बड़ी गिरावट आई है, ऐसी गिरावट आपको लाइफ टाइम में बजाज फाइनेंस में दिखी थी। और आप इसमें देखो कि जब भी बजाज फाइनेंस एक बड़ी गिरावट आती है तो उसके बाद वो धीरे धीरे चढ़ता है। तो बोलते हैं कि जब स्टॉक मार्केट गिरता है, प्राइस गिरता है, तो एस्केलेटर से गिरता है। गिरने वक्त बहुत जल्दीबाजी होती है, क्योंकि आपको गिरने वक्त क्या करना है, सिर्फ आपको बेचना है, तो लोग पैनिक में सब शेयर बेचने लगते हैं। और जब चढ़ता है स्टॉक तो स्टेयर केस चढ़ता है, धीरे धीरे अभी स्टॉक चल रहा है, धीरे धीरे
ऐसे यहाँ पे आपको आप देखो कि स्टॉक जब गिर रहा था आराम से गिरा, इसके बाद धीरे धीरे चला, ठीक है, तो ये भी ऐसे ही हो रहा है, स्टॉक धीरे धीरे चाल चल रहा है। तो ये स्टॉक अभी हम इसमें टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कितना ऊपर जा सकता है। तो आप देखो कि स्टॉक में जब हम डेली टाइम फ्रेम देखते हैं तो किसी भी स्टॉक के लिए अपने 1 ईयर का जो एवरेज प्राइस होता है वो एक जो है एक माइल स्टोन होता है। यदि हम इसको देखें स्टॉक 200 के आसपास स्टॉक पहुंच चुका है। आप देखो कि स्टॉक जो है 200 मूविंग एवरेज के आसपास आके रुक गया स्टॉक, ठीक है, वहीं पे नेक टू नेक जो है वहां पे खड़ा है। अभी आप पहली बार भी आया था लेकिन वहां पे प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, दूसरी बार वो वहां पे आया है, तो मैं होपफुल हूँ कि स्टॉक ऊपर जा सकता है। हो सकता है कि आज ही आपको दिख जाए या हो सकता है कि 1-2 दिन बाद आपको दिखाए, लेकिन इसमें जो है मुझे लगता है पोटेंशियल है और स्टॉक ऊपर जाएगा। ऊपर कहाँ तक जाएगा मैं आपको लेवल बताऊंगा। यदि इसको हम जैसे मैंने आपको पहले यहाँ बताते आ रहा था, जब आप इस वीडियो को देखोगे तो हमने बताया था कि ये जो हमारा 50 डे का मूविंग एवरेज था जिसको बार बार हेजिटेट कर रहा था उसको क्रॉस किया। ये वीडियो आपको कहाँ से मिलेगा, ये वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और आप चाहते हो कि आप मेरे यूट्यूब पर जाके सर्च करना चाहते हो तो आप यूट्यूब पे क्लिक करो और वहां पे सिर्फ आप बजाज फाइनेंस सर्च में डाल दो। जैसे मेरे चैनल पे आओगे आप, यहाँ पे आप जैसे बजाज फाइनेंस को सर्च करोगे, बजाज फाइनेंस, तो बजाज फाइनेंस जो भी वीडियो बनाया सब आपको दिख जाएगा। यहीं पे हमने ये बताया था कि ये स्टॉक आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है, ठीक है, तो मल्टी बैगर रिटर्न के स्टेज पे है और जा रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सारा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो वही वीडियो हेलो मैंने, ठीक फ्रेंड्स, आई एम जगदीश। है, ये आपको दिख रहा है, आपको दिख रहे इसमें यदि डिटेल आप एनालिसिस किया था, इन्वेस्टर हो, बताया था ट्रेडर कि हो, जो गोल्डन भी है, अपॉर्चुनिटी है ट्रेडर ट्रेडिंग ट्रेडिंग की की। अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा, और इन्वेस्टर है तो इन्वेस्टिंग की। एक 23% जी, ठीक है, ये कितना कितना ऊपर आएगा, तो सारा लेवल्स मैंने आपको यहाँ तो आप बताया है। देखिए, यदि आपने नहीं देखा है तो आपको एक एज देगा, आप जरूर स्टॉक इसको देखें। रे डाउन प्रोसेस यदि हम इसको बड़े टाइम फ्रेम पे जाकर देखते हैं कि स्टॉक जो है कितना लेवल रिट्रेस कर चुका है ये, तो यदि हम फिबोनाची से देखें तो हमें दिखता है कि ये स्टॉक जो है तो जो फिबोनाची का जो है ये जो ट्रेंड गिर रहा था इसका ऑलमोस्ट जो है 38% इसने लास्ट वीक में टच किया था, और इस वीक में दिख रहा है कि ये स्टॉक इसने स्पाइक मारा है। ये जो इसका हाई बना हुआ है जो जो 3125 का हाई है कुछ, उसको ऊपर जाता है तो उसमें ऊपर की चाल आएगी और फिर वो 50% 61% तक भी आते की कोशिश करेगा। आने वाले समय में ये यहाँ तक आ सकता है। इसका लेवल कितना है, तो ऑलमोस्ट जो है 37.5 के आसपास लेवल है, यहाँ तक आ सकता है स्टॉक में। और आप देखो कि यदि इसमें हम और देखें कि एक हम बड़े टाइम फ्रेम पर जैसे हम एक मूवी लगाते हैं और 50 का जो एक्सपोनेंशियल है, यहाँ भी आपको दिख रहा है कि ये स्टॉक जो है यहाँ पे रुका हुआ है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, इसके ऊपर आती है यदि इस वीक में इसके ऊपर क्लोज करता है तो एक रैली आपको दिखेगी। आप देखो कि इसमें आप चाल भी देखो कि इसमें चाल जो आई है वो चाल आपको एक दिख रहा है कि स्टॉक जो है हायर टॉप एंड हायर बॉटम, यहाँ पे उसने एक स्टॉक ने एक हैमर बनाया था और ये स्टॉक हायर टॉप एंड हायर बॉटम बना के स्टॉक ऊपर जाते जा रहा है। तो इसमें एक चाल है, जैसे रेजिस्टेंस तोड़ेगा उसमें एक और एक चाल स्ट्रेंथ आएगी और स्टॉक जाएगा ऊपर। तो इसमें मैंने अपने हिसाब से आपको जो है डिटेल एनालिसिस लेके एक लेवल दिया हूँ, जैसे कि स्टॉक आप देखो कि स्टॉक आज का जो डेट है वो आपका 3108 पे 6 जुलाई का प्राइस है। तो इसमें हमने जो अभी 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 जो 3108 पे क्लोज किया उसने, ऊपर की साइड हमें जो लेवल दिखता है, ये लेवल आपको हो सकता है कि आपको ये लेवल 1 महीने में दिख जाए, ठीक है, आने वाले समय में आपको जो है थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम को टारगेट दिया है ताकि आप इसको बार बार इसको देख के आप अपने एनालिसिस को एनालाइज कर सकते हैं। तो 3108 से ऊपर कितना जाएगा, तो 3500, 3750 एंड 3950, दीज आर द टारगेट, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, इसी को आप रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 की तरह अपडेट कर सकते हैं। यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं तो आप इसमें 2905 का एक स्टॉप लॉस रखें, ठीक
और स्टॉप लॉस को हालांकि ट्रेल करना पड़ता है, तो जो जितना भी आप समझ सके उसके साथ ट्रेल करो। और यदि आप थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम देख रहे हो तो 2500 का स्टॉप लॉस होगा। तो सब तरह के हैं, यदि आप चाहते हो कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो और इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, दोनों एक ऑर्डर मत करो। हमेशा जो है ट्रेडिंग इन्वेस्ट अलग अलग अकाउंट में होना चाहिए। आप इस स्टॉक में ट्रेड करके पैसा ना कमा सकते हो, इन्वेस्ट करके कमा सकते हो। दोनों अकाउंट में करोगे तो आप, हो सकता है कि बजाज में एक बार निकल जाए आपके हाथ में नहीं आएगा। तो यदि आपके पास, आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हो या ना हो, यदि आपको अकाउंट ओपनिंग की जरूरत पड़ती है आप यहाँ जुड़ सकते हो। यहाँ पे हमने जो है, यहाँ पे हमने ओपन डीमैट अकाउंट करके दिया हुआ लिंक मेरे वेबसाइट पर, ठीक है। और जितने भी लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने जो भी, जहाँ जहाँ मेरा सपोर्ट है तो ये प्रिफर्ड है, आप यहाँ पे आप स्टॉक्स जीरोधा में करा सकते हैं, आपको जहाँ खुलाना है करा सकते हैं। आप यदि आप चाहते हो कि मेरी सपोर्ट आपको मिले टाइम टाइम और आप बेनिफिट अवेल करना चाहते हो, तो आप यहाँ से अकाउंट खुला के आप मुझे व्हाट्सएप पिंग कर सकते हो। जो भी सपोर्ट सर्विसेज है मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, यहाँ पे अकाउंट खुला लो आप। ये हो गया। तो अभी हम, यदि ये जो हमारा पूरा चार्ट सेटअप है, इसमें भी दिख रहा है कि स्टॉक जो है अभी काफी स्टॉक मोमेंटम में है। यदि इसको देखें तो 200 के आसपास खुला है। RSI जो है ऑलमोस्ट जो है 68 के आसपास है, पॉजिटिव दिखा रहा है, ठीक है। MACD भी जो है कंसोलिडेट कर रहा है। यदि MACD ऊपर आता है, MACD की जो लेवल है आप सिग्नल से ओवरलैप कर रहा है, और यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये जो है कि एक यू टर्न मारने वाला है और इसमें एक रैली आएगी। जैसे यहाँ पहले यहाँ पे आई थी, यहाँ पे आई थी, तो एक रैली जो है मैं होपफुल है जाए, दिखेगा आपको। वॉल्यूम अच्छे खासे वॉल्यूम सा ट्रेड हो रहा है, तो चार्ट का सेटअप जो है जो अभी काफी बुलिश है, आप ऊपर के लेवल आपको दिखेंगे। ऐसा ही जो है मैंने आपको बजाज फिनसर्व के लिए भी लेवल दिया है, कि बजाज फाइनेंस बजाज एक साथ चलता है। आपको यदि बजाज फिनसर्व में भी एक्सपोजर है तो आप इसमें ले सकते हैं। तो इसका भी लेवल आपको दिया है कि आप यहाँ बजाज बजाज फिनसर्व को लगा सकते हो। मैंने अभी डिटेल एनालिसिस किया है, पैरेलली आप जो है आप भी इसमें करो, बजाज फिनसर्व, बजाज फिंजर में भी जो है स्टॉक काफी है। ये अभी अभी तक की 200 के आसपास नहीं आया, तो आने वाले समय में 200 लेवल तक आएगा स्टॉक। तो इसमें मैंने आपको सब टारगेट दिया हुआ है, तो आप इसमें जो है स्टॉक जो है 6285 तक जो है स्टॉक ने क्लोज किया है, और उसमें 6500 6800 तो बजाज फिंजर में, बजाज फिंजर में जो है आपका अपर टारगेट जो है, अभी जो अभी स्टॉक कहाँ पे है 6285 पे है, और ऊपर में 6500 6800 एंड 7350, और डाउन साइड में आप देखते हो तो 6050 एंड 5400 का जो है स्टॉप लॉस लेके आप कर सकते हो। तो मैं जो आपको लिए डिटेल से लेके आया, तो मैं होप करूंगा आपको पसंद आ रहा है, ठीक है। आपके लिए होमवर्क क्या है, आप मुझे वो कमेंट करके बोल सकते हो, पूछ सकते हो कि आपने किस लेवल पे बाई किया है और आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको गाइड करूंगा। जो भी आपको लगता है, आप यदि आप मेरे साथ नहीं जुड़े हो तो YouTube कमेंट के साथ आप जुड़ सकते हो, वहां पर कमेंट करो कैसा वीडियो लगा बताओ, ठीक है। आपको कौन से स्टॉक मिलना चाहिए, बजाज फाइनेंस मिलना चाहिए, बजाज फिंजर मिलना चाहिए, ठीक है। तो आप जिस स्टेज पे हो उस स्टेज में आपको गाइड करूंगा, हेल्प करूंगा, तो आप उसे करो। यहाँ पे आपको सब डिटेल मिल जाएगा, ये मेरा जो है कॉन्टेक्ट डिटेल है, यहाँ पे आपको ये जो मेरा मोबाइल व्हाट्सएप नंबर है जहाँ से आप जुड़ सकते हो, सारी कम्युनिकेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगी, तो आप यहाँ से जुड़ जाओ, ठीक है। मैं होप करूंगा कि मैंने जो आपके लिए कंटेंट लेके आया हूँ आप लीजिए बोलो। यदि आप चाहते हो कि सीखना चाहते हो, यहाँ पे हमारी क्लासेस हैं जो आप क्लासेस के थ्रू जुड़ सकते हो। यहाँ पे सब क्लासेस की डिटेल मिल जाएंगी, तो टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस एंड फ्यूचर ऑप्शंस के लिए हम यहाँ पे सिखाते हैं। और आप चाहते हो कि हमारी क्लासेस कैसे चलती है, क्या रिव्यू है, तो आप यहाँ पे यहाँ से आप डिटेल पढ़ सकते हो। और यदि आप गूगल में आपने सर्च किया, आपने डाल दिया कि जगदीश स्टॉक में क्लासेस, यहाँ पे देखो तो आपको क्लासेस की हमारी रिव्यू मिल जाएगी गूगल पे है, लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया है, और वहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ से आप जो है हमें आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप रिव्यू पढ़ सकते हो। आपको आपको सीखने पे, हमेशा जो है आप स्टॉक मार्केट में आए हो तो लंबे समय के लिए खेलना चाहते हो, आप सीख करो, वो आपको एज देगा और समझने में आपको आसानी आएगी। तो आप हमेशा टिप्स पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, आपको सीख के आपका पैसा आपको ग्रो कराना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लाइक का बटन मत भूलें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड फैमिली शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।